कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों को कर्जा पटाना शुरू किया था। 15 साल से भाजपा ने किसानों का कर्जा एक पैसा माफ नहीं किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने वादा पूरा करने के लिए पहले जितने ड्यू ओवर ड्यू किसान थे उनके 2-2 लाख वापस किए, कर्जा खत्म किया, फिर 50,000 का किया, फिर 1 लाख का किया और फिर 1.5 लाख का करने वाले थे। इसी बीच उन्होंने सरकार गिरा दी। अब कर्जे के बारे में, किसानों के कर्जे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिंधिया जी खुद कहते थे कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। खुद कहते थे कि शिवराज तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं, कितना ही खींच लोगे मिट नहीं पाएंगे। आज वही भाजपा के साथ चल पड़े। किसको उम्मीद थी कि शिवराज, ये सिंधिया जी जैसे राजनेता जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उनके पिताजी को सब कुछ दिया, वो सौदा कर लेंगे इन विधायकों के साथ ले जाकर भाजपा में। आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट लोकतंत्र का है। अगर इस तरह चलता रहा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? बेहद पैसा, मुझे तो इस बात का दुख होता है जब पता लगता है कि गरीब तबका जो कि मजदूर वर्ग परेशान है, बेरोजगार हो गया है, रोजी रोटी चल नहीं रही है, मजदूरी मिल नहीं रही है, वो शिकायत ये आती है कि साहब शराब बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, कहाँ तक सही मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन प्रजातंत्र में अगर आप अपना वोट बेचोगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? बात यह है कि ईवीएम का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ईवीएम पर भरोसा करता नहीं, क्योंकि हम बटन दबाते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। हम तो ये कहेंगे चुनाव आयोग से कि जब वोट आप दिखाते हो, दिखाने की बजाय हमारे हाथ में दे दो और हम जाके इसमें बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। काउंटिंग आप कंट्रोल यूनिट से करो, लेकिन किसी को आपत्ति है तो बैलेट पेपर की काउंटिंग करा दें, क्योंकि अभी दिखता जरूर है लेकिन कहाँ गया फिर पता नहीं पड़ पाता। इसलिए मैं तो ईवीएम पर कितना पहले भरोसा किया ना आज भरोसा कर। हमें इस बात पर देखना है कि कैसे हम लोग अब नए कांग्रेस का निर्माण करें, नए लोगों को मौका दें। नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, मैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस बार पूरे विधानसभा में और विशेषकर जहाँ जहाँ पंचायतों के, नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं नवों में, वहाँ नई पीढ़ी को मौका दो, जिनको आप लोगों ने जिताया था वो भी सौदेबाजी में चला गया। और उसके बाद भी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 दिन पहले तक जो कि सुर्खी विधानसभा में विधायकों के बिक्री के आंकड़े दे रहा था, वो खुद 2 दिन बाद चला गया। आखिर ये देश की राजनीति जा कहाँ रही है? इस तरह से अगर खरीद फरोख्त होती रही तो चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो समझते हैं कि पैसे के बल पर ही सारी राजनीति चलती है।